स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक कुकटपल्ली, शुगर का मुकम्मल इलाज, एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उमरा ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 18 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। इसराइल ने इंसानियत को फिर किया शर्मसार, गजा के अस्पताल को बनाया निशाना, खून रेजी की इंतहा, इसराइली हमले में करीब 1000 फलस्तीनियों की मौत, दिल चीर देने वाले मनाजर। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की अरब व मगरबी ममालिक ने भी की शदीद मजम्मत, इसराइली हमले को बताया नाकाबिल मुआफ़ी और घिनौना जुर्म, फलस्तीन में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। इसराइली हमले के बाद सऊदी किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कर दिया बड़ा मुतालबा, साल 1967 की हदबंदी के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम को बताया नागुज़ीर। गजा अस्पताल पर इसराइली टारगेट, हमास रहनुमा इस्माइल हानिया ने बमबारी का अमेरिका को करार दिया बराह रास्त जिम्मेदार, कहा यह अमेरिका है जिसने इसराइल को पूरी तरह सहारा दिया और तहफ़ दे रखा है। गजा पर इसराइल की मुसलसल जारहत, लिबनान की हिजबुल्ला ने इसराइली टैंकों पर किए मिज़ाइल हमले, ईरान ने कहा ईरान का जंग में शरीक होना खारिज इम्कान नहीं। अगर इसराइल गजा में जराइम करता रहा तो हिजबुल्ला समेत दीगर कुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता, ईरानी सुप्रीम लीडर खमीनाई ने किया खबरदार, हमलों को फौरी बंद करने पर दिया जोर। इसराइल हमास जंग का 11वां दिन, इसराइली पीएम नतन्याहू ने कहा हम फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं, हमास से जंग लड़ना सिर्फ हमारा मकसद। गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों के बाद दुनिया भर में इसराइली सिफारत खानों के बाहर एहतजाज, अमेरिका, तुर्किया, लेबनान समेत कई मुल्कों में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। ब्रिटिश एमपी अफजल खान ने मसला फलस्तीन पर पीएम ऋषि सुनक से तशवीश का किया इजहार, सुनक ने कहा हम बरतानिया में मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ किसी जारहत को नहीं करेंगे बर्दाश्त। गजा जंग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने पूरी दुनिया से किया सवाल, कहा आखिर इस कत्लेआम में हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। हम जंस जोड़ों की शादी का कोई मुनियादी हक़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, मौलाना महमूद मदनी ने फैसले का किया इस्तकबाल, कहा ऐसी शादी की किसी भी मजहब में इजाज़त नहीं। हम जंस शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असदुद्दीन ओवैसी ने किया खैर मकदम, ट्वीट किया सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को रखा बरकरार। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अडानी के 32,000 करोड़ रुपए के घोटाले का किया इंकशाफ, कहा मुल्क भर में अडानी की वजह से ही मिलती है महंगी बिजली। मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजियां तेज, रियासती होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा राहुल की ही कास्ट का नहीं है कोई पता तो वो कास्ट सेंसस करने चले। कांग्रेस लीडर सुप्रिया शिनेती का बड़ा दावा, कहा पूजा करने की चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाने के मोदी के दावे पूरी तरह से झूठ। पैसे लेकर पूछती है सवालात, महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा एमपी दुबे की शिकायत पर लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को महुआ पर इल्ज़ामात की तहकीकात की दी हिदायत। ख्वातीन की आपस में लड़ाई, समाजवादी पार्टी ने शेयर की वीडियो, कहा ये बीजेपी की वुमेन वर्कर्स, भाजपा लीडर और वर्कर्स मुसलसल अपनी बेजाब्तगी का देते रहते हैं सबूत। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अदालत ने आजम खान और अहलिया को ठहराया कसूरवार, अब्दुल्ला समेत 3 को सुनाई 7 साल कैद की सजा। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन, हैदराबाद में शराब की दुकानों के सीसीटीवी यूपीआई ट्रांसफ़र की चेकिंग, आईटी डिपार्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा के नकद लेन देन पर भी करेगी कार्रवाई। गुज़श्ता दिनों हैदराबाद में खातून स्टूडेंट की खुदकशी, प्रवालिका के ख़ानदान की मदद का मिनिस्टर केटीआर का वादा, प्रवालिका के भाई को मुलाजिमत की कराई यकीन दहानी। तेलंगाना इलेक्शन, बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के तहत सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल का कायदीन से खिताब, बीआरएस पर की तनकीद, दावा किया केसीआर हुकूमत का जल्द खात्मा यकीनी। निज़ामाबाद से बीजेपी एमपी डी अरविंद का सनसनीखेज रिमार्क, कहा
बीजेपी अरकान असेंबली को खरीद कर तेलंगाना में बनाएंगी हुकूमत, सियासत करना हमको भी आता है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की आज तेलंगाना आमद, एमएलसी कविता का शदीद रिएक्शन। कविता ने राहुल को कहा इंतखाबी गांधी, उन्हें टूरिस्ट के तौर पर दौरे करने की कही बात। तेलंगाना इलेक्शन, बीएसपी ने जारी किया इंतखाबी मैनिफेस्टो। बरसर इख्तदार आने पर 5 साल में 10 लाख रोजगार, कमजोर तबकात के लिए मुख्तलिफ स्कीमात समेत किए कई वादे। हैदराबाद में सोने की कीमतों में इजाफा, 24 कैरेट सोना 61,600 रुपये जबकि प्योर चांदी 740 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शिफा क्लिनिक, दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राबता करके देखिए, डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शन का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटी ट्रीटमेंट, हैदर नगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रेवल्स, हजो उमरा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उमरा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ में हरम से खरीद स्टार लग्जरी होटल्स में ख्याम। 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उमरा की सआदत, वो तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें। उमरा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रेवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।